यमुनानगर में सिविल हॉस्पिटल की लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने। हुआ यूं कि जवाहर नगर से 2 दिन पहले यानी 28 जुलाई को एक युवा को उसके परिजन इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले युवक की डेथ हो जाती है, जिसके बाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर उसका कोरोना टेस्ट लेते हैं। 2 दिन बाद यानी 30 जुलाई को कोरोना नेगेटिव आने से डेड बॉडी को रिपोर्ट के साथ परिजनों को सौंप दिया जाता है। जैसे ही परिजन डेड बॉडी को लेकर घर पहुंचते हैं तो सिविल हॉस्पिटल से फोन आता है कि आप डेड बॉडी का संस्कार न करें, आपकी बॉडी कोरोना पॉजिटिव है, और बॉडी को लेने पहुंच जाती है सरकारी एम्बुलेंस। लेकिन परिजन डेड बॉडी को घर में रखकर गेट का ताला लगा देते हैं और बॉडी देने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर बॉडी को दोबारा सिविल हॉस्पिटल भिजवाती है। इस मामले में जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने विभाग की चूक स्वीकार करते हुए इसमें जांच के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, ये अपना यमुनानगर वाला, उन्होंने जी मरे हुए की बॉडी रख ली वहाँ, जबकि दाखिल नहीं हुआ अभी, बॉडी रख ली, कोरोना का सैंपल भेज दिया, कह रहे जी कल को मिल जाएगा। वो कहने लगे आप ये IDSP लैब है शायद, उसकी वेबसाइट में ही CMO साहब के बराबर में है, कहने लगे वहाँ से जाके रिपोर्ट ले आओ। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ अंदर बैठे थे जो डॉक्टर वहाँ के लैब के, मैंने वहाँ पे जाके बोला महाराजी राजेंद्र कुमार सनम श्री चमन लाल की अपना बॉडी का सैंपल आया हुआ है 28 तारीख का। उन्होंने कह रहे हाँ राजेंद्र कुमार का सैंपल है हमारे पास। मैं कह जी 27 का नहीं, एक 27 का भी था और एक 28 का अलग से है। कह रहे नहीं 28 वाली है, आज ही आई है अम्बाड़ा से। मैं कहा जी ठीक है, इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी मेरे को, कहते भी ये लो नेगेटिव रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब से साइन करवा लो। मैं अंदर चला गया, उन्होंने उसे कोरोना की फाइल में लगाया, पर्ची बना के दी कि आप वहाँ से अपना बॉडी लेके जा सकते हो, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, घर ले जाके अपना संस्कार कर लेना जैसे करना हो। लेके अब घर पे आए हैं, 15 मिनट बाद उनका फोन आ गया, कहने लगे ये तो पॉजिटिव है, आप गलत बॉडी लेके। भी हम कहाँ से गलत लेके, दिया तो तुमने, अगर लैब वाले इतनी तगड़ी गलती करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे उसमें। सोच लेता है भी चलो डॉक्टर से गलती होगी, जब लैब वाले खुद इतनी तगड़ी गलती कर रहे हैं तो और कोई डॉक्टर को क्या कहेंगे।